Hello. मेरे पैर पकड़ो, मेरे पैर पोज हमारी एंटायर फ्रंट बॉडी को स्ट्रेच करता है, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को बूस्ट करता है और हमारी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दिस पोज इज ए हार्ट ओपनर, इसलिए ये हमारे अनाहता चक्र या हार्ट चक्र को एक्टिवेट करता है। ये आसना वन ऑफ द बेस्ट आसना है हार्ट ओपनिंग के लिए। जिनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है या अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस आसना को करने से हमारे सारे पाचन तंत्र अच्छे से काम करते हैं, ऑल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इसको करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, हमारे आर्म्स और थाइस की मसल्स मजबूत होती हैं। ये अर्ध भुजंगासना है और हाफ कोबरा पोज। हल्के कमर दर्द को सही करता है, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन करता है, करने में इजी है, सो गुड फॉर बिगिनर्स। आसना इज वेरी गुड फॉर कामिंग आवर माइंड। वज्रासना में बैठ के अपने दोनों हाथों को पीछे पकड़ के आगे की तरफ एक्सेल करते हुए झुकेंगे और अपने हेड को नीचे की तरफ रख के रिलैक्स करेंगे। दिस इज अ रिलैक्सेशन पोज। वो सारे आसना जिसमें हमारे हेड की पोजीशन हमारे हार्ट के पोजीशन से नीचे रहेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बहुत अच्छा होगा, हमारे हेड तक ब्लड जाएगा, तो वो सब आसना हमारे माइंड को काम करने के लिए आर वेरी गुड। सिमिलरली इस पोज में भी हम बटरफ्लाई पोज में बैठकर अपने आप को आगे की तरफ झुकाएंगे, अपना हेड आगे की तरफ रखेंगे जहाँ तक भी हम पहुँच पाएँ। आप चाहे तो एक पिलो का यूज़ भी कर सकते हैं आगे रखने के लिए। हियर परिनिया इज हेल्पिंग मी टू गो मोर डाउन टू गेट मोर स्ट्रेच। वी विल स्टे इन दिस पोज एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। Relax yourself, keep breathing. Thank you.